हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। से हमने कुछ एमसीक्यू तैयार किए हैं, तो वे जो एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में आज हम उन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो पेपर में आपको इनसे बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है, तो इन्हें कृपया ध्यान से पढ़िए। तो सबसे पहले इसमें हम बहुविकल पे देखने वाले हैं कि बहुविकल पे कौन कौन से बन सकते हैं और ये कैसे होते हैं। बहुविकल पे प्रश्न नंबर एक है, फार्माकोग्नोसी पद किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि फार्माकोग्नोसी जो टर्म है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई है, वो इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर एक है आर एन चोपड़ा, ऑप्शन नंबर दो है सी ए सैडलर, ऑप्शन नंबर तीन है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या ऑप्शन नंबर चार है रॉबर्ट हुक। तो आपको इसमें सेलेक्ट करके बताना है कि फार्माकोग्नोसी पद किसने दिया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी ए सिडलर। सी ए सिडलर ने ही फार्माकोग्नोसी पद का आविष्कार किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक असंगठित औषधि है, यानी कि अनऑर्गेनाइज ड्रग जो है वो निम्न चार में से कौन है। ऑप्शन में आपको दिया है ऑप्शन नंबर ए सदाबहार, ऑप्शन नंबर बी अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी जायफल और ऑप्शन नंबर डी हींग। तो इन चारों में से आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है वो कौन सा है। तो राइट आंसर आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सदाबहार। विंका जो होता है, विंका को ही हम सदाबहार कहते हैं। तो सदाबहार का जो पौधा है वो हमारा क्या होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस अपरिकृष्ट औषधि में एल्कलॉइड उपस्थित होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सा है। नंबर एक पर है अदरक, नंबर दो पर है सेना और नंबर तीन पर है जिलेटिन, नंबर चार पर है बेलाडोना। तो आपको बताना है कि इन चार ड्रग्स में से किस में एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, एल्कलॉइड किस में उपस्थित होता है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है बेलाडोना। बेलाडोना में जो होता है वो एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर। क्वेश्चन नंबर चार में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर चार में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्रवर्धक ड्रग है, या कौन सा मूत्रवर्धक है। इसका मतलब होता है कि आपके जो डायुरेटिक्स ड्रग होते हैं, डायुरेटिक ड्रग्स में से जो चार ऑप्शन दिए गए इनमें से डायुरेटिक ड्रग कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है आपको नंबर एक है पुनर्वा, नंबर दो है एफेड्रा, नंबर तीन है वसाखा और नंबर चार है ईपिका कुनहा। तो इन चार में से आपका डायुरेटिक ड्रग्स कौन सा है वो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर पुनर्वा। पुनर्वा जो होता है वो एक डायुरेटिक ड्रग होता है। तो अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पाँच देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच में क्या दिया गया है, न्यूट्रास्यूटिकल पद किसने दिया है, यानी कि न्यूट्रास्यूटिकल जो टर्म है वो डिस्कवर किसके द्वारा की गई है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है नंबर एक पर स्टीफन हॉकिंग, नंबर दो पर स्टीफन फ्लेमिंग, नंबर तीन पर स्टीफन डिफ्लेसिस और नंबर चार पर दिया गया है आपको स्टीफन किंग। तो इन चारों में से किसने न्यूट्रास्यूटिकल पद को आविष्कार किया था, या किसने इसे डिस्कवर किया। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है, या राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन डिफेलिस। तो स्टीफन डिफेलिस ने ही आपके न्यूट्रास्यूटिकल पद की आविष्कार किया था। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर छः में है लहसुन का मुख्य रासायनिक संघटक, यानी ये यहाँ पर गलत हो गए, यहाँ पर है संघटक, यानी कि लहसुन का मुख्य रासायनिक संघटक क्या है, यानी कि मुख्य केमिकल कॉन्स्टेंट लहसुन में कौन सा पाया जाता है, वो आपको ऑप्शन के माध्यम से सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन के माध्यम आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन में नंबर एक है कालचियासिन, नंबर दो पर है वेसिनिन, नंबर तीन पर है मायरास्टीन और नंबर चार पर है एलिसिन। तो इनमें से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है एलिसिन नंबर चार, यानी कि एलिसिन जो लहसुन में मुख्य केमिकल कॉन्स्टेंट पाया जाता है वो एलिसिन होता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन नहीं है, यानी कि हम आयुर्वेदिक तरीके से किस निम्न चार में से किस एक को नहीं बना सकते, वो आपको सिलेक्ट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आसव, ऑप्शन नंबर 2 है क्रीम, ऑप्शन नंबर 3 है भस्म और ऑप्शन नंबर 4 है गुटका। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है गुटका, ऑप्शन नंबर 4। गुटके को हम किस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के द्वारा नहीं बना सकते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगठित औषधि नहीं है, सॉरी संगठित औषधि है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये बताना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी का जो एक ड्रग है वो इनमें से कौन सा है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है अकेशिया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अदरक, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बेंजोइन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अफीम। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है अकेशिया, यानी कि अकेशिया ही एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, होम्योपैथिक सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 9 है, होम्योपैथिक सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि होम्योपैथिक जो सिस्टम है उसका जो फादर माना जाता है वो किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है धन्वंतरी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है हकीम अजमल खां और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सैमुअल हैनीमैन। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, सैमुअल हैनीमैन। तो जो होम्योपैथिक सिस्टम का जो फादर है वो कौन है, सैमुअल हैनीमैन है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एलोवेरा का वनस्पतिक नाम क्या होता है, यानी कि एलोवेरा जो होता है उसका सिनोनियम, सॉरी तो एलोवेरा का वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है एलोए बारबेडेंसिस, नंबर 2 पर है सदाबहार का पौधा, नंबर 3 है विंका और नंबर 4 पर है एलोवेरा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एलोए बारबेडेंसिस, जो इसका एलोवेरा का बोटनिकल नेम होता है, वनस्पतिक नाम होता है, उसे हम एलोए बारबेडेंसिस के नाम से जानते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन की कुल संख्या कितनी होती है, यानी कि हमारा जो विटामिन होते हैं विटामिन की टोटल संख्या कितनी होती है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 10, 11, 6 या 13। तो आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 13। हमारे विटामिन की जो कुल संख्या होती है वो 13 होती है। क्वेश्चन नंबर 12, अश्वगंधा अन्य किसी नाम से, अश्वगंधा को हम अन्य किस नाम से जाना जाता है या जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है बचनाग, ऑप्शन नंबर 2 है विंटर चेरी, ऑप्शन नंबर 3 है विसेला कालाबेरी और ऑप्शन नंबर चार है हायोसाइमस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विंटर चेरी। विंटर चेरी को ही हम अश्वगंधा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक एंटी ट्यूमर ड्रग है। तो आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि निम्न में से एंटी ट्यूमर ड्रग या एंटी कैंसर कैटेगरी का जो ड्रग होता है वो कौन सा होता है। एंटी कैंसर कैटेगरी का सिर्फ एक ड्रग होता है, उसे आप सब जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 बेलाडोना, ऑप्शन नंबर 2 विंका, ऑप्शन नंबर 3 अश्वगंधा और ऑप्शन नंबर 4 है पेट्रोकार्पस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विंका। विंका जो एकमात्र ड्रग होता है जो कैंसर का उपयोग करता है, इसे हम एंटी कैंसर कैटेगरी का ड्रग कहते हैं। तो इसे ही हम एंटी ट्यूमर ड्रग भी बोलते हैं, विंका। विंका को हिंदी में सदाबहार का पौधा भी बोला जाता है। क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से एरगोट किस कैटेगरी का ड्रग होता है, हमारा जो एरगोट होता है वो किस कैटेगरी का ड्रग होता है वो हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है लग्जेटिव कैटेगरी, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीटॉक्सिक कैटेगरी,
ऑप्शन नंबर तीन एंटी मलेरियल कैटेगरी और ऑप्शन नंबर चार है एंटी ट्यूमर कैटेगरी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटॉक्सिक कैटेगरी। जो एरगोट होता है वो ऑक्सीटॉक्सिक कैटेगरी का ही एक ड्रग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन ए संबंधित है, यानी कि चार ऑप्शन दिए गए, विटामिन ए इन चार में से किस एक से संबंधित होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर एक है आँख, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशिया, ऑप्शन नंबर डी बाल। तो आपको इन चारों में से सिलेक्ट करके बताना है कि विटामिन ए किससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आँख ही विटामिन ए से संबंधित होता है। जो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है रतौंधी, और रतौंधी आँखों में होता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, औषधियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि जो हमारे क्रूड ड्रग है, क्रूड ड्रग का जो क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने की पूरी पूरी इसकी संभावना है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है या तो ये एक नंबर में आएगा या फिर पाँच नंबर में आएगा। आपको क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन डिटेल में देना होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। आप हमारा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है एक, 10, 6, 7 या 8। तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो 6 प्रकार से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, औषधियों में मिलावट मुख्यतः कितने प्रकार से की जा सकती है, यानी कि जो अडल्ट्रेशन है, मिलावट है, वो मुख्यतः जो रूप होते हैं उनके कितने रूप होते हैं, कितने तरीके से हम मिलावट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक है 6, ऑप्शन नंबर 2 7, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 3। तो इनमें से हम कितने प्रकार से मिलावट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 2। जो औषधियों में मिलावट है वो मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है, नंबर एक इंटेंशनली और नंबर 2 अनइंटेंशनली। यानी कि एक तो मिलावट जानबूझकर की जाती है प्रॉफिट के लिए, और एक मिलावट अनजाने में हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नींबू के तेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हमारा लेमन ऑयल होता है उसे हम अन्य और किस नाम से जानते हैं, या उसका सिनोनियम, लेमन ऑयल का सिनोनियम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर एक है लेबियार्टी, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रैक्टस लिम्नोसिस, ऑप्शन नंबर 3 है भारतीय मिलीसा तेल, और ऑप्शन नंबर 4 है खट्टा तेल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होता है फ्रैक्टस लिम्नोसिस को ही हम नींबू के तेल के नाम से भी जानते हैं, या नींबू के तेल का सिनोनियम जो होता है वो फ्रैक्टस लिम्नोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, औषधियों का मूल्यांकन निम्न में से कितने प्रकार से किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 8, और ऑप्शन नंबर 4 है 9। यानी कि जो हम ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं, ड्रग का परीक्षण करते हैं, वो कितने प्रकार से किया जाता है आपको ये बताना है। औषधियों का मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है 6, यानी कि हम 6 प्रकार से ही औषधियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, मॉर्फोलॉजिकल वर्गीकरण को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होता है उसे हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर एक में दिया है वर्णानुक्रम वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रूपात्मक वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रासायनिक वर्गीकरण, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपचारात्मक वर्गीकरण। तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है रूपात्मक वर्गीकरण। तो रूपात्मक जो वर्गीकरण होता है
उसे ही हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का सेट लेकर, और आने वाली वीडियो में हम अपना एक पूरा डिटेल्ड एग्ज़ाम जो है, पूरा डिटेल्ड एग्ज़ाम हम करने वाले हैं, पूरा सोल्ड पेपर जो आपको पेपर में, जिससे बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। अगर आप दो या तीन सेट भी तैयार करके चले जाएंगे तो आप आराम से पेपर क्लियर कर सकते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके और आप तक हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू।